जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में चंदौली के पड़ाव स्थित बहादुरपुर गांव निवासी अवधेश यादव उर्फ दीपू शहीद हो गए। सूचना के बाद परिजनों व गांव में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी होने के बाद से ही ग्रामीणों का अवधेश के घर पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, लेकिन उस समय शहीद अवधेश की माँ को पता ही नहीं था कि इस हमले में उनका लाल शहीद हो गया है। शहीद अवधेश की पत्नी शिल्पी को पता चला कि उसका पति शहीद हो गया तो वह अचेत होकर गिर पड़ी। बार बार यही कह रही थी कि वह हमसे 3 दिन पहले ही जल्दी लौटने का वादा करके ड्यूटी पर गए थे, हमें नहीं विश्वास हो रहा है कि वह शहीद हो गए हैं। परिजनों ने कैंसर पीड़ित उनकी मां मालती देवी को सांत्वना दी कि बेटे को कुछ नहीं हुआ है, पर मां की पथराई आंखें बेटे को ढूंढ रही थी। शायद उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो चुका है। वहीं बूढ़े पिता हरकेश यादव का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि शहीद अवधेश उर्फ दीपू की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। उन्हें 3 साल का बेटा निखिल है। अवधेश बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। सन 2006 में अवधेश सीआरपीएफ की 145वीं बटालियन भर्ती हुए थे। कब सूचना मिला है आपको? सूचना तो कल रात को ही हो गया था, लेकिन आज सुबह क्लियर हुआ, सुबह फोन आया था। कितने बेटे हैं आपके? दो। एक तो शहीद हो गए, दूसरे क्या करते हैं? उन जो शहीद हुए उनका शादी कब हुआ था? उनके बच्चे भी हैं? एक बच्चा है। क्या नाम उनका? कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है? क्या मांग करते हैं भाई? मांग तो हम कहेंगे भाई, एक परवरिश करने के लिए किसी मतलब बेटे को दे या बहू को दे। बच्चा छोटा है, इसका भी तो देख रहे हम कितने दिन तक कर सकते हैं। कब तक आने की सूचना है उनकी? शाम को तो बेटे। किससे बात हुई आपकी? चला आपको कि आपके भाई जो है देश के नाम पर शहीद हो गए? सुबह काले पता नहीं उन्होंने काम करके बताया, कुछ नहीं पूरी बात बताएं। कल शाम से ही न्यूज़ में दिखा रहा था जम्मू कश्मीर के बारे में घटना हुई, वहाँ से बटालियन से कॉल भी आई थी सर, जिन्होंने कंफर्म नहीं किए थे किसी बात को। सुबह कॉल करके उन्होंने कन्फर्म किया, 6 बजे करीब कॉल दी थी, बताया कि भैया कब तक बॉडी आने की सूचना मिली? सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की बात की गई? अवधेश कुमार यादव जो इस गांव के बहादुरपुर के निवासी हैं, वो कल पुलवामा में जो घटना हुई थी तो राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार के लिए शहीद के परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही शहीद का जो परिवार है वो पैतृक गाँव है, उसका जो संपर्क मार्ग है उसका नामकरण शहीद के नाम से राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार से बात की जाए तो आपकी तरफ से फिलहाल जो ये टीम है 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी और पैतृक गांव को जो संपर्क मार्ग चलता है उस संपर्क मार्ग का जो नामांतरण है जिनके नाम पे शहीद के नाम पर किया जाएगा, ये घोषणा ये मैं यहाँ पर देना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त भी जो भी परिवार को मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए पूरा देश, पूरा प्रशासन, पूरा राज्य सरकार साथ में खड़ा है और लगातार हम उनके साथ देश के लिए पूरे देश के लिए दुखद समाचार चल आज देर शाम शहीद के पार्थिव शरीर के यहाँ पहुँचने की जानकारी प्राप्त हुई। अभी जम्मू से चलकर दिल्ली आए, दिल्ली से बाबतपुर बनारस एयरपोर्ट पार्थिव शरीर, उसके बाद यहाँ पर मौके पर गाँव बहादुरपुर में पार्थिव शरीर सारी व्यवस्थाएँ जो हैं पूरे जो ऑनर्स हैं स्टेट ऑनर्स वो शहीद को दिए जाएंगे और पूरी व्यवस्था प्रशासन के लिए